आप लोग फिक्र मत करें, मैं अम्मी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अम्मी को भी अंदाजा है कि मैं मायरा को पसंद करता हूँ। अरे धोखा तो वो तुझे दे रही है, ना जाने कितने लड़कों से चला रही होगी। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, ये अभी तक मायरा के इश्क में पागल है। क्या हरकत की है तुमने? ये एक और इंसान भी है जो शक के दायरे में आता है। देखें आप, कसूरवार हैं या बेकसूर, इसका फैसला तो अदालत में होगा। बेशक डकैती हुई है और मेरे मौकिल ने जुर्म का इकरार किया है। चाहे वारदात पर 3 बजे पहुंची, पुलिस को आपने 4 बजे इत्तला दी। जफर, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम और मायरा एक दूसरे को पसंद करते हो, और मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आखिर तुम मेरे मरहूम शौहर के भतीजे हो। मगर मैं कब तक लोगों से और मोहल्ले वालों से ये कहती रहूंगी कि मेरी बेटी की निस्बत तय हो गई है? तुम भी हालात जानते हो, तुम्हें अब अपनी अम्मी को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजना होगा। जफर, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप आज ही बात करें ना पप्पो से। आप लोग फिक्र मत करें, मैं अम्मी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अम्मी को भी अंदाजा है कि मैं मायरा को पसंद करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगी। क्यों इनकार क्यों नहीं करूंगी? एक बार नहीं, 1000 बार इनकार करूंगी। अब बात सुनो, अब तुम्हारा सिफली नहीं चलने वाला, मेरे भाई के दौर में चल गया था। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आरफा बाजी आप? आखिर मायरा आपकी भतीजी है। भतीजी? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ भतीजी को और भावज को भी। कैसे मेरे भाई को अपने जाल में फंसा के शादी की थी, अब चलियो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए। जफर, जफर सुन रहे हैं आप क्या कह रही हैं? ये सफर ही नहीं, पूरी दुनिया सुनेगी। तुम्हारी माँ ने मेरे भाई के साथ भाग के शादी की थी। अम्मी बस कर जाए, खुदा के वास्ते चुप कर जाए। क्यों, मैं क्यों चुप कर जाऊँ? अरे तुम्हें नहीं पता इस औरत ने कितने जुल्म ढाए? तुम्हारे बाप से शादी हुई है तो तब सुख की सांस ली है मैंने, और तुम चाहते हो कि इस लड़की को अपने घर में लियो, अपना सुख चैन बर्बाद कर लूं? मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करने का। एक से बढ़ के एक रिश्तों की लाइन लगी हुई है मेरी बेटी के लिए। इतने रिश्ते पड़े होते तो यहाँ नहीं बैठी होती। सूरत ना शक्ल, भाड़ में से निकल। बस बहुत हो गया, अपनी बकवास को बंद कर। अरे 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी की ऐसे अच्छी जगह शादी करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। और एक बात याद रखना, कहानी के पहले हिस्से में मैं और मेरी बेटी नाचे, कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है, तू और तेरा बेटा नाचेंगे। मेरी बात तो सुन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे नाचेंगे। अरे नाचने वाले खानदान से है ये, देखो बता के जा रही है। अरे तुम तो मजनू बन के बैठे रहो यहाँ पर। अरे मेरे मरहूम मामू भी ना ऐसी लड़कियों के चक्कर में रहते थे, आगरा के पागल खाने में मरे वो। मैं नहीं चाहती कि तुम भी किसी पागल खाने में जाके मरो। उठो यहाँ से, चलो अपने कमरे में उठो। अरे चलो खाना पीना कर लो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो मोहब्बत जो इंसान को मौत की दहलीज पे ले जाए ना, उससे कतई ताल्लुक कर लेना बेहतर है। मैं अगर इस रिश्ते के लिए मान भी जाऊं तो वो आरफा तुम्हें कभी भी अपनी घर की बहू तस्लीम नहीं करेगी। और एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी को जहन्नम की दहलीज में धकेल दे। अम्मी लेकिन आप समझने की कोशिश तो करें। एक बात याद रखना मायरा, अगर आज के बाद तुमने उस जफर का जिक्र किया ना, नाम भी लिया, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और कर लेना फिर मेरी लाश में उससे शादी। मैंने तेरी बातचीत पक्की कर दी है अपनी दोस्त की बेटी से। अरे रशीदा अमेरिका जाके डॉलरों में खेल रही है, और उसकी बेटी ऐसा रंग रूप निकाला है कि माशाल्लाह, मेरा घर देखा बाला है, मैंने हाँ कर दी है। मगर अम्मी आपको पता है कि मैं मायरा को धोखा नहीं दे सकता। अरे धोखा तो वो तुझे दे रही है, ना जाने कितने लड़कों से चला रही होगी। अम्मी मायरा ऐसी लड़की नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे हुई है? हाँ, जैसे तूने तो लड़कियों पे रिसर्च की हुई है। अमेरिका की कैसी होगी, कनाडा की कैसी होगी, यहाँ की कैसी होगी? अरे मेरी भावज स्कूल में पढ़ती थी, अरे उन लड़कियों का काम ही यही होता है, लड़कों को फंसा और शादी कर लो, और उसकी बेटी भी यही करेगी। तुम्हें नहीं समझ, अरे जमाना देख के बैठी हूँ।
तुम्हें अकेले पाला है मैंने और मेरी परवरिश का सिला ये दे लो तुम, मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अम्मी, अम्मी आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज आए तो कभी भी मरने का जिक्र मत कीजिएगा। और अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, याद रखना तू। मेरा बेटा माशाल्लाह से कितनी जल्दी तैयार हो गया है ना, बहुत प्यार लग रहा है। और अच्छा बात सुनो, पापा को ना गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ठीक है? हाँ भाई, हमारा बेटा तैयार हो गया? हाँ। That's great, हाँ? चलो मामा को बाय बाय बोलो। बाय, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके। अच्छा मैंने टिफिन भी रख दिया है, ओके यहाँ से खा लेना। हेलो मायरा, मैं जफर। पहचानो तुमने? मैं अमेरिका से वापस आ गया और तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हेलो जफर, मैं ठीक हूँ। और मेरी बात सुनो, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और आइंदा मुझे कॉल मत करना, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम लोगों ने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया, मैं कुछ अच्छा बना लेती। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं, अपना ही तो घर है। दरअसल मायरा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कि आपके पास ले आऊँ, आपको याद भी कर रही थी और ये अहान की छुट्टी भी करा दी। और हाँ ये थोड़े दिन आपके पास ही रहेगी। अच्छा आओ ना अंदर आओ। नहीं नहीं आप जाए, दरअसल मुझे काम से जाना है। अच्छा चलो बेटा, अच्छा खुदा हाफिज़। क्या बात है मायरा, तुमने मुनव्वर से फिर झगड़ा कर लिया? मैं आपको तो सिर्फ मेरा कसूर दिखाई देता है, कहा तो ये तबीयत नहीं ठीक, बस थोड़ा थक गई हूँ। चलो आया अंदर चलो। क्या हाथों में दम नहीं है तुम्हारे, दो दो टाइम रोटियां तो खा रही होती हूँ बैठ के। सर सही से दबा लो। जी अच्छा खा लो। यहाँ दबाओ, पूरा कंधा दुख रहा है मेरा, जोर जोर में दर्द हो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। 6 साल के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? पप्पो मैं आपकी आयादत के लिए आई थी, मैंने सुना कि आपका शुगर लेवल शूट कर गया है, तो बस इसी वजह से मैं आ गई। शुगर लेवल शूट कर गया? मुझे शुगर अभी तो हुई नहीं है, एक जमाने से शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज हूं मैं। और ये बताओ तुम्हें मेरी बीमारी की खबर किसने दी? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ साथ नहीं है तुम्हारे? पप्पो इसका मतलब आप मुझ पर शक कर रही हैं? शक? शक की कोई गुंजाइश है? मेरे बेटे के पाकिस्तान आते ही तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम यहाँ आ गई। अरे मायरा तुम कब आई, अम्मी आप क्या कर रही? कोई इतने अरसे बाद घर आया उसके ऊपर इस तरह तंज के नश्तर बरसा रही है। का मतलब कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, मेरा शक गलत नहीं है। लड़की तुम ना कल सुधरी थी और ना आज सुधरोगी, चलो मेरे घर से निकलो तुम यहाँ से। मेरी बात सुनो। खाला घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? तुम 2 टके की नौकरानी, मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? अम्मी आप क्या कर रही हैं, छोड़ दें उसे। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, अब तुमको तो मैं बताती हूँ मेरे टुकड़े बच्चे। चलो चलो निकलो यहाँ से, तुमने ना अपना घर बसाया ना मेरे बेटे का बदन दोगी, और आज के बाद मेरे घर की तरफ देखना भी नहीं। क्या कर रही है अम्मी, वो रो रही होगी। मैं रो रही होगी? अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो, ना वो लड़की अपना घर बसाना जानती है और ना इसका बसने देगी। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, हर वक्त बस तो मेरे खड़ी ना करो। आ जाइए आज लड़का, बहुत इसको हमदर्दी है ना।
अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। गायब हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा ये बताओ, टिकट बुक करवाया? कब की वापसी है तुम्हारी? कभी नहीं, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और तुम्हें यहाँ आना होगा। देखो जफर, तुम्हारी इस बचकाना हरकतों की वजह से मैं पहले ही 4 महीने भुगत चुकी हूँ। और ये क्या बात है, दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वही पाकिस्तान में बिजनेस करने का भूत सवार है। तुम वापस आओ, मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। भाड़ में गई एनिवर्सरी और भाड़ में गई तुम। बहुत कर ली तुमने हुक्मरानी, अब तुम्हें यहाँ आना हो वरना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? तुम शायद भूल रहे हो, ये जो तुम अमेरिका में ऐश कर रहे थे ना, ये सब मेरी वजह से था। और 1.5 करोड़ की रकम से जो तुम पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहते थे ना, वो मेरे पापा ने तुम्हें दिए थे, समझे? ओ तो तुम मुझे अब उन 1.5 करोड़ रुपए का ताना दो। 1.5 करोड़ रुपए देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए देना पड़ा। ओ, तो तुम मुझे अब मेरी औकात याद दिलाओ। एक बात मेरी गौर से सुनो, ना तो मैं तुम्हें वो पैसे वापस देने वाला हूँ और ना ही मैं खुद वहाँ वापस आने वाला हूँ। मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। हरीम बेटा, तुम इसकी बात मत सुनो, ये स्टम गुस्से में। देखा आंटी, देखा, मैं आपसे कहती थी ना, ये अभी तक माहिरा के इश्क में पागल है। आज इसने उसकी वजह से मुझे तलाक भी दे दी। मैं कहती थी ना आपको। बेटा बेटा, अभी एक तलाक हुई है, 2 तलाकें बाकी हैं। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या हरकत की है तुमने ये? अरशे इलाही हिल जाता है ऐसी बातों से। करना क्या चाहते हो तुम? और वो मायरा, उसका तो मैं मुंह को चल दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके किचन को देखो। जी अच्छा, मैं जाती हूँ। कुछ लिहाज है तुम्हें? कौन बैठा है, कौन है घर में, सबके सामने शुरू हो जाया करो। बाहर जाएं घर की बातें। तनी ये लड़का मेरे साथ करना क्या चाहता है? कौन है आप लोग? कौन? मेरी हेलो, आप है कौन? क्या चाहते हैं? मत मचा। क्या चाहते हैं आप लोग? अलमारी की चाबी कहाँ है? कौन सी अलमारी की चाबी? मुझे नहीं पता कौन सी अलमारी की चाबी। मैं इसका गला काटूंगी तब ये बोलेगा। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ। बराबर वाले कमरे में दराज में चाबी रखी है, बराबर में अलमारी है, उसी में ही पैसे हैं। जो कुछ चाहिए आपको ले जाए, बस मुझे छोड़ दो। आरफा बरसों के बाद मिली हो, उसके बाद भी वही ताने, वही शिकायतें। मैं तुमसे शिकवा करने आई हूँ, मिठाइयाँ बांटने नहीं आई हूँ। तुम्हारी बेटी जफर के पीछे दोबारा पड़ गई है, उसे समझा लो वरना मैं चुटिया पकड़ के उसका मुंह रगड़ दूंगी। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम क्या बकवास कर रही हो, फिर मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो। मेरी बेटी का जान सा बेटा है, इतना प्यार करने वाला शौहर है, और तुम कह रही हो कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। कल वो मेरे घर आई थी मेरी तबीयत का बहाना करके। उसको किसने बताया कि मैं बीमार हूँ? मगर कल वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। और इस टाइम कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा मेरे घर पहुंच गई है? याद रखना, अगर वो ऐसा करेगी तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। हाँ हाँ,
शीशे से पत्थर ही को नहीं तोड़ती, तुम तो लोगों के घर भी तोड़ती हो। निकल मेरे घर से। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर रुकने का। अपनी बेटी को संभाल लो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चल, दोनों माँ बेटियाँ कभी सुधरने वाली नहीं हो। पीछे पड़ गई है मेरे बेटे के। हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मेरे शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। जी, मेरा नाम हरीम है। मैं अभी अमेरिका से आई थी। जैसे ही मैं घर में घुसी, मैंने अपने शौहर की लाश देखी। हमारे घर में डकैती हो गई है जी। प्लीज़ आप लोग जल्दी ही आ जाएं। अरे अम्मा, हौसला रखें, अल्लाह को ये मंजूर होगा। अरे कहाँ से ला हौसला? सर, गार्डन से जूतों के निशानात मिले। लगता है कि ये तीन लोग थे और इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ना ही कोई दरवाजा टूटा और ना ही कोई खिड़की टूटी है और ना ही अलमारी को खंगाला गया, बल्कि तिजोरी को भी चाबी से खोला गया। इसका मतलब यह है कि ये वारदात किसी ऐसे शख्स ने की है जिसका बकायदगी से इस घर में आना जाना था। देखिए जी, आपके सदमे को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कातलों तक पहुँचने के लिए मुझे आपके तावन की ज़रूरत होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तिजोरी में कितना कैश था? एक करोड़ रुपए और जेवरात थे। सफर ने खुद 3-4 दिन पहले लॉकर में रखे थे। आपके और जफर के अलावा कौन जानता था कि तिजोरी में इतना बड़ा कैश है? कोई नहीं जानता था, सिर्फ सफर और मैं ही जानते थे। ये भी सदमे में। मैं सफर की वाइफ हूँ। मैंने आपको फोन करके बुलाया था। डकैती वक्त आप कहाँ थे और लाश के पास आप कब पहुंची? मैं आज ही अमेरिका से आई हूँ। लगभग 4 बजे मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने सफर की लाश देखी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने आपको फोन मिला दिया। देखिए, मुलजिम को घर में आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो जफर उनको जानता था और उसको खुद घर पे लेके आया, या फिर उनके पास मैन गेट की चाबी होगी। चाबी घर की हमारी मुलाजमा के पास होती है और वो आज नहीं आई। इस टाइम तक आ जाती है। उसी ने मारा है। वो उस दिन यहाँ पे थी, यहाँ बैठी थी, इससे बातें कर रहा था फोन पे, उसने सुना था 1 करोड़ की बात। इंस्पेक्टर साहब, उसको पकड़ लो, वो ही मेरे बेटे की कातिल है। आपके पास उसका फोन नंबर है? फोन नंबर लिखा होगा डायरी में, उसको पकड़ लो। इंस्पेक्टर, उसी ने किया है, क्योंकि वो ही थी, उसके अलावा किसी के पास चाबी नहीं होती। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मक्तूल जफर की घरेलू मुलाजमा जुलेखा ने अपने शोहर रफी और अपने बेटे उमेर के साथ मिलकर मक्तूल के घर पे डकैती और कत्ल की वारदात की। योर ऑनर, ये वारदात करने के बाद तीनों मुलजमान शहर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बनाया और उन तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर। वकील साहिबा, ये झूठ है।
हमने कत्ल नहीं किया किसी का भी। Your Honor, मुलजमा अदालत के सामने भी झूठा बयान दे रही है, जबकि पुलिस के पास इन तीनों मुलजमान के खिलाफ शवाहिद। सर, मकतूल के घर की गली की CCTV फुटेज है हमारे पास, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात की सुबह ये तीनों मुलजमान मसरूका सामान उठाए गली से भाग रहे हैं। Your Honor, इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनसे मसरूका माल भी बरामद कर लिया है, और इसके अलावा वो छुरी भी बरामद कर ली है जो पुलिस को शक है कि आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल की। जनाबे वाला, पुलिस इस केस में रिवायती बेहिसी और गफलत का मजाक कर रही है। मुलजिमान पर नाकर्दा गुनाहों का बोझ डाला जा रहा है। बेशक डकैती हुई है और मेरे मौकिल ने इस जुर्म का इकरार किया है, मगर उन्होंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि जब वो बंगले से भाग रहे थे उस वक्त जफर जिंदा था। वाह, बहुत मोतबर हैं आपके क्लाइंट्स जिनकी बात पर एतबार कर लिया जाए। डकैती जैसी संगीन वारदात का इतराफ कर चुके हैं और अभी अदालत के सामने झूठा बयान भी दे रहे थे। आपके पास अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए कोई गवाह है जिन्होंने ये देखा हो कि जफर को ये कुर्सी के साथ बांधकर जिंदा छोड़ गए थे? जनाबे वाला, जिस छुरी पर आलाए कत्ल होने का शुबह किया जा रहा है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि छुरी आलाए कत्ल है। फ्रांसिक रिपोर्ट भी आना बाकी है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस डकैती के केस में कत्ल की इस दफात को खारिज। Your Honor, मुलजमान ने डकैती का एतराफ कर लिया है, मसरूका माल भी इन्हीं से बरामद हुआ है, मकतूल को कुर्सी से भी यही बांध कर गए हैं, और यकीनन कत्ल भी इन्होंने ही किया है। Your Honor, सिर्फ इन तीनों मुलजमान से कत्ल का एतराफी बयान लेना बाकी है। हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इनसे तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। यह अदालत तीनों मुलजमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। जज साहब, हमें माफ कर दें, हमने किसी का कत्ल नहीं किया, हम बेकसूर हैं, हमने किसी को नहीं कत्ल किया, हमें माफ कर दें। वकील साहब, जज साहब, हमें माफ कर दें। ओ, तो तुम आ गई? हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम सारी जिंदगी अपने महके में बैठ के अपने यार, मेरा मतलब कि अपने कजन के मरने का शोक मनाओगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, ऐसे क्या गलत कह दिया मैंने? मैंने तो सुना है कि तुम उससे शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, उसने तुम्हें धोखा दे दिया और दूसरे से शादी करी, ऐसे ही नहीं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर झूठा? पहले तुमने बीमारी का बहाना बनाया था ताकि जफर से मिल सको। मारा, मारा, सुनो, इंस्पेक्टर साहब, मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद तो साफ नजर आ रहा है कि मुलजमान के खिलाफ हमारा केस कमजोर है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि जफर का टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान है, जबकि जो गली की CCTV फुटेज हमें दस्तयाब हुई है उसमें तो मुलजमान बड़ा सा बैग लेकर गली में से भागते हुए नजर आए कि सुबह 11:15 बजे के करीब। इसका मतलब है कि उन्होंने जफर को 11 बजे से पहले कत्ल किया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम ऑफ डेथ और CCTV फुटेज का टाइम तो बहुत तजाद पैदा कर रहा है। मुलजमान कैसे कत्ल कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि कैमरों की टेक्निकल खराबी की वजह से टाइमिंग सही रिकॉर्ड ना हो पाई हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जितने भी शवाहिद अभी तक सामने आए हैं वो सब हमारे केस को कमजोर कर रहे हैं। जो मकतूल के जख्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि जो जख्म है वो 3 इंच गहरा है, जबकि आपने जो मुलजमान के घर से छुरी बरामद की है वो 2 इंच की है, उससे तो 3 इंच का जख्म नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी सस्पेक्ट लिस्ट में और कौन कौन है? क्या मकतूल के फोन रिकॉर्ड से कोई क्लू मिला? रिकॉर्ड निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
हमें तो यही था कि डकैती के दौरान उन्होंने कत्ल किया होगा। लेकिन इन रिपोर्ट्स ने तो आपका मफरूजा गलत साबित कर दिया है ना। अब तो आप फौरन मकतूल के सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाइए। देखिए, जफर बैरून मुल्क से आया था, अच्छी खासी अमाउंट थी उसके पास, 1.5 करोड़ रुपया था, अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा था। बहुत सी क्रिमिनल्स की नजरों में होगा वो, हॉट टारगेट हो सकता है ऐसा इंसान। देखिए उसके सेलफोन रिकॉर्ड से शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है मैडम जी। जी मैं आपको बता दूंगी जैसा भी होगा। ठीक है अंडी, क्या हो गया, आप कुछ परेशान लग रही हैं। पुलिस स्टेशन से कॉल की, नाना थाना के सवालात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जुलेखा कातिल नहीं है, कत्ल किसी और ने किया। क्या मतलब, अगर जुलेखा ने कत्ल नहीं किया तो जफर का कत्ल किया किसने है? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, और कुछ हफ्ते पहले ही तो वो अमेरिका से आए थे। यही बात मैंने भी कही है, पर वो कह रहे हैं कि कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है, डकैती के बाद कोई यहाँ आया है। आंटी पुरानी दुश्मनी तो आपकी सिर्फ फायजा ममानी से ही है। हाँ, फायजा और उसकी बेटी। देखें हम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। ये देख रहे हो, इसमें आपका और मक्तूल का SMS का सारा डेटा इस बात की तस्दीक करता है। जफर ने आपको 3 बजे मिलने के लिए बुलाया और आपने हामी भी भर दी। क्यों, आप SMS पर मना नहीं कर सकती थी? हाँ, लेकिन वो सिर्फ टालने के लिए मैंने कहा था, मैं तो वहां गई नहीं थी। टालने के लिए? अच्छा, उस रोज 2 से 4 के बीच में आप कहां थी? मैं अपने मैके गई थी, आप चाहे तो मेरी वालदा से भी पूछ सकते हैं। आरफा बीबी ने इस बात की तस्दीक कर दी है, उस रोज वो आपके घर पे ही थी और काफी देर उन्होंने वहां इंतजार किया, आप वहां पर नहीं थी। और आपकी वालदा ने भी दोनों बातों की तस्दीक कर दी है, मतलब कि आप जफर के घर गई, आपने जफर को रस्सियों में बंधा हुआ पाया, इंतकाम की आग आपकी भड़क उठी और आपने उसे कत्ल कर दिया। अरे अरे ये सब झूठ है, मैं तो वहां गई नहीं थी, मैं आयान की कसम खाती हूं, सब झूठ है। खबरदार, अगर तुमने आयान का नाम अपने मुंह से, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक चली जाओगी, किसी का कत्ल कर दोगी। मुनव्वर, मुनव्वर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें आप। देखें, आप कसूरवार हैं या बेकसूर, इसका फैसला तो अदालत में होगा, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, लेकर आओ उसको। मुनव्वर मेरी बात का यकीन करो, मैं वहां गई नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुनव्वर जी, इंस्पेक्टर साहब मैंने ये जफर के SMS रिकॉर्ड्स देखी हैं और इसके मुताबिक जफर ना सिर्फ मायरा के साथ रابطे में था बल्कि उस दोपहर उसने मायरा को अपने घर बुलाया भी था। जी मैडम, ये लड़की इसकी कजन थी और इन दोनों का 3 बजे का टाइम जो है ना मिलने का मुकर्रर हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ भी इसके करीब करीब है। मुझे शहरयार बता रहा था कि मायरा जफर से शादी करना चाहती थी लेकिन जफर की माँ को इस रिश्ते पर एतराज था और इस वजह से इनकी शादी नहीं हुई थी। कहीं ये इंतकाम में कत्ल की वारदात तो नहीं? ये भी हो सकता है, क्योंकि इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे अगर हम जुलेखा के बयान पर फोकस करें तो एक और इंसान भी है जो शक के दायरे में आता है और उसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव था जफर को कत्ल करने का। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। योर ऑनर, मकतूल जफर की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस्तगासा तीनों मुलजमान पर मकतूल के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी।
सर हमने इस केस की अक्सर नौ तफ्तीश की और कुछ नए सस्पेक्ट्स शक के दायरे में आए। सबसे ज्यादा शक हमें मकतूल की कजन मायरा पर हुआ, क्योंकि मकतूल के एसएमएस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वारदात के रोज मायरा ने मकतूल से मिलने का वादा किया था। योर ऑनर, पुलिस ने मायरा से तफ्तीश की इससे पहले कि मैं अदालत के सामने मायरा के बयान की तस्दीक या तर्दीद कर सकूं, मैं कुछ अहम सवालात मकतूल की बेवा हरीम से करना चाहती हूं। योर ऑनर, मैं हरीम को कचहरी में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूं। इजाज़त है। हरीम साहिबा, आप अदालत को बताएंगी कि आप वारदात के रोज़ मकतूल जफर के घर कितने बजे पहुंची थी? मैं पुलिस को बता चुकी हूं कि मैं उस रोज़ 4 बजे पहुंची थी, लेकिन मेरे पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। मायरा जफर को कत्ल करके जा चुकी थी। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि मायरा ने जफर को कत्ल किया है? क्या जब आप वहां पहुंची तो आपने मायरा को उधर देखा था? अभी आपने ही तो अदालत में बताया कि मायरा वहाँ मौजूद थी। नहीं नहीं, मैंने तो अदालत में सिर्फ इतना कहा कि मायरा उस रोज़ जफर को मिलने का इरादा रखती थी। बहरहाल आप ये बताइए कि वो छुरी कहाँ है जिससे जफर को कत्ल किया गया? छुरी? ये भला मैं कैसे बता सकती हूँ? चलें, अगर आप ये नहीं बता सकती कि वो छुरी कहाँ है, मगर आप ये तो बता सकती हैं ना कि आप जाए वारदात पर 3 बजे पहुंची, पुलिस को आपने 4 बजे इतला दी। ये 1 घंटे के दरमियान आप क्या करती रही? जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं 4 बजे वहाँ पहुंची थी और मैंने पहुंचने के साथ ही वहाँ फौरन पुलिस को कॉल की थी। मोहतरमा, आप झूठ बोल रही हैं। हमारे पास सबूत है कि आप जाए वारदात पर 3 बजे पहुंची थी। अब बताइए, 3 बजे से 4 बजे के दरमियान आपने क्या किया? जफर को आपने कुर्सी से बंधा हुआ देखा और उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद तमाम शवाहिद मिटा दिए और फिर पुलिस का नंबर ढूंढ के 4 बजे पुलिस को कॉल की कि घर में डकैती और कत्ल का मामला हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरे शौहर थे। जी हाँ, शौहर थे, लेकिन आपको छोड़ने का इरादा कर चुके थे और जुलेखा के बयान के मुताबिक वो आपको 1 तलाक दे भी चुके थे। ये सब झूठ है। आप सिर्फ मायरा को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मोहतरमा, झूठ तो आप बोल रही हैं अदालत में मुसलसल, सबूत है हमारे पास। योर ऑनर, इस फाइल में उस कैब का रिकॉर्ड है जिस कैब की राइड इन्होंने एयरपोर्ट से बुक की। 2 बजे ये खातून एयरपोर्ट से निकली और 3 बजे इस कैब की राइड कंप्लीट हो गई। योर ऑनर, दोपहर 3 बजे उस कैब ड्राइवर ने इन्हें इनके घर पर छोड़ा। इसमें मुकम्मल डिटेल्स हैं। योर ऑनर, अदालत के सामने ये मुसलसल झूठ बोल रही है। मकतूल का टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान है और दोपहर 3 बजे ये खातून जाए वारदात पर मौजूद। योर ऑनर, इस कैब राइड की रिपोर्ट से इनका झूठ साबित। Thank you, sir. बताओ, तुमने अदालत को झूठा बयान क्यों दिया था? अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जी जज साहब, ये सब कुछ सच है। वो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसे कत्ल किया है। ये कत्ल तुमने क्यों किया? क्योंकि उसने मेरे सारे एहसानात भुला दिए थे। उसको कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो सिर्फ मायरा को ही चाहता था। मायरा के खातिर 4 साल पहले वो मुझे पाकिस्तान ले आया। यहाँ आके मुझे इंकशाफ हुआ कि वो अभी तक मायरा को नहीं भुला सका। मायरा still love you very much. उठो, उठो। क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो तुम ख्वाब में? मायरा स्टिल लव यू, क्या मतलब इस बात का? तुमने इतने सालों से मुझे धोखे में रखा हुआ है
मैं तुम्हारे खातिर अमेरिका से यहाँ आ गई। बहुत हो गया, अब हम यहाँ पर एक सेकंड नहीं रुकेंगे। उठो और जाने की तैयारी करो। मायरा, हरीम, देखो मेरी बात, मैं ख्वाब देख रहा था, मुझे क्या पता मैं क्या देख रहा था। ख्वाब? ख्वाब में इंसान वही देखता है जो उसके दिल में होता है, और बकवास करने की जरूरत नहीं। उठो और सामान पैक करो, हम यहाँ आप नहीं रुकेंगे। हरीम, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, बैठ। बकवास बंद करो और अमेरिका जाने की तैयारी करो, समझे? साहब, उसके अगले रोज ही हम अमेरिका वापस चले गए थे। सब कुछ ठीक हो गया था, जिंदगी फिर डगर पे आ गई थी, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही सफर को पता नहीं क्या हुआ, वो सारा कारोबार वाइंड अप करके वापस पाकिस्तान आ गए, और यहाँ आकर उसने मुझे एक तलाक दी। जय साहब, मुझे एहसास हुआ कि वो वापस मायरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ है। ये रोज रोज के तमाशे से मैं तंग आ चुकी थी। मैं यही सब सोच के वापस पाकिस्तान आई थी कि बहुत हो गया, या तो वो रहेगा या मैं, ये सारा किस्सा मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं बंगले में पहुंची, मैंने देखा कि वो बना हुआ था। मैंने सोचा कि इससे चमोगा क्या होगा। मैं किचन में गई और मैंने वहां से छुरी निकाली। क्या हुआ जफर, डर गए? ये छुरी देख के डर गए? मैं भी डर गई थी जब तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था। और देखो, कुदरत भी तो यही चाहती थी, और मुझे मौका मिल गया तुम्हें मारने का। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जय साहब, मैं नफरत में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मेरे हवाल बहाल हुए तो मैंने वो छुरी धोकर किचन में वापस रख दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अपने इंतकाम में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैंने इंटरनेट से पुलिस का नंबर तलाश किया और फौरन पुलिस को कॉल मिला दी। जज साहब, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। अरे अदालत तुझे माफ़ भी कर दे, पर तुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा, और मैं जीते जी तुझे माफ नहीं करूंगी। अरे तू डायन ही डायन, मेरे बेटे को कहाँ गई? अरे तुझसे अच्छी तो मायरा थी, अरे उसी को लिया थी, मेरी अपनी भतीजी थी। ऑर्डर ऑर्डर, आप खामोश हो जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए। वकला की बहस और पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा जुलेखा और उसके साथियों को कत्ल के इस मुकदमे से बरी किया जाता है, जबकि डकैती साबित होने पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत तीनों मुलजिमान को 5 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा का भी हुक्म सुनाया जाता है। चूँकि मुलजिमा हरीम ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया है, लिहाजा अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि उसे कमरा अदालत से गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कत्ल का चालान बनाया जाए और इस मुकदमे की आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।